वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, होने वाला है इमली शो बंद और यही वजह रही है कि अब सुम्बुल तौकीर यानी कि सभी की प्यारी इमली के निकल रहे हैं जोरदार आंसू, फूट फूट कर रोने लगी है इमली। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमली नहीं कर पा रही है अपने इमोशंस कंट्रोल? वेल, चलिए आपको बताते हैं रीसेंट इंटरव्यू में अपने शो और अपनी ऑडियंस के बारे में सुम्बुल तौकीर यानी कि इमली ने क्या कहा। वेल दोस्तों, डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि हाल ही में सभी को पता है कि किस तरह से इमली शो पर बहुत बड़ी गाज गिरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अटकलें इस बात की लगी हुई हैं कि शो बंद हो सकता है या फिर शो बंद होने ही वाला है। ऐसे में सुम्बुल तौकीर का रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से इस शो को जनता ने बेशुमार प्यार दिया है और किस तरह से उन्होंने खुद को इस शो से जोड़ लिया था। और अब जब खबरें आ रही हैं कि ये शो बंद होने वाला है तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही। वेल, ऐसा होता रहता है कि सीरियल में हमेशा ही जो लीड एक्टर्स होते हैं वो शो को खुद से जोड़ लेते हैं, लेकिन अब साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने इमली शो शुरू किया था तो उन्हें नहीं पता था कि उनका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। साथ ही इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रही है, काम भी ज़्यादा नहीं है और कोरोना की फोर्थ लेयर सर पर है। ऐसे में क्या होगा आगे फ्यूचर का वो नहीं जानती है, लेकिन जिस तरह से उनके करेक्टर को प्यार दिया गया है, जिस तरह से इमली को अपनाया गया है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। और ये कहते कहते निकल गए प्यारी सी सुम्बुल के आंसू। वेल दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।